हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम अपने कोर्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज इनफाइनाइट सीरीज। सो लेट्स जंप इन। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जिसके ऑथर हैं एनपी बाली, उनकी बुक रेफर करें क्योंकि ये एमडीयू के लिए एप्ट है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हैक्स की। हैक्स बेसिकली टिप्स और ट्रिक्स हैं जो एमडीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम के अंदर 4 यूनिट आते हैं। हर एक यूनिट में हमें 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिनमें से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे ही इनफाइनाइट सीरीज में 8 एक्सरसाइजेस हैं और इन एक्सरसाइजेस में से पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 के बीच में आता है और दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.7 से लेके 1.8 में से आता है। तो आइए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का एमडीयू का दिसंबर 2013 का पेपर है और दिसंबर 2014 का पेपर भी है। फ्रेंड्स, दोनों सालों के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 में से आया है और क्वेश्चन नंबर दोनों ही सालों के पेपर में 1.7 से लेके 1.8 की एक्सरसाइज में से आया है। फ्रेंड्स, ये टिप्स या ट्रिक्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास वाकई में टाइम कम है, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे साथ पूरा चैप्टर ही कवर करें। तो आइए यूनिट 1 का शुभारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट सीरीज का पहला टॉपिक है सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ रूल। मतलब नंबर का कोई भी अरेंजमेंट जिसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है, हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें हर डिजिट के बाद प्लस 2 ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 2 में हमने प्लस 2 ऐड किया तो हमें मिला 4, 4 में हमने प्लस 2 ऐड किया तो हमें मिला 6। तो इस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का रूल हुआ प्लस 2, तो इसलिए हम इसे एक सीक्वेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप इस अरेंजमेंट को देखिए, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें हम हर डिजिट में 1/2 मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। जैसे 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1/2, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1/4, ऐसे ही 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1/8। तो इस अरेंजमेंट का रूल है कि हर डिजिट में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस अरेंजमेंट को भी सीक्वेंस कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं सीरीज की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सीक्वेंस के एग्जांपल के अंदर डिजिट्स को कॉमा से सेपरेट कर रखा है, पर अगर हम किसी भी सीक्वेंस को कॉमा से सेपरेट ना करके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से सेपरेट करें तो उसे कहते हैं सीरीज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम कॉमा की जगह प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, तो इस सीक्वेंस में हमने डिजिट्स को किसी साइन से सेपरेट किया हुआ है, तो इसलिए हम इसे सीरीज कहेंगे। तो आइए सीरीज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ सीक्वेंस इज कनेक्टेड बाय अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन देन इट इज कॉल्ड सीरीज। क्लियर फ्रेंड्स? दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ उनके नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स फटाफट टॉपिक रिटेन करने में मदद करेंगे। तो हमने समझ लिया सीरीज क्या होती है, तो आइए अब समझते हैं फाइनाइट सीरीज क्या होती है। कोई भी सीरीज जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसे कहते हैं फाइनाइट सीरीज, और कोई भी सीरीज जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। कोई भी सीक्वेंस अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो, विच इज u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un, जिसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स का ना मालूम हो, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। और इस फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन n की पावर 1 टू इन्फिनिटी un या फिर सिंपली समेशन un के तौर पे भी डिनोट कर सकते हैं, जहां पे un हमारी nth टर्म है। तो आइए अब हमारी nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज
a plus n minus 1 d, where a is first term of the series and d is difference between two terms of a series. Friends, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले को जो हम साथ में नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में बहुत बार इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये सीरीज गिवन है विच इज 1 + 2 + 3 और हमें इस सीरीज का nth टर्म निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां पर a होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विच इज 1, तो 1 + n - 1 d, d इज डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ द सीरीज, दैट इज 2 - 1 = 1। तो यहां पर हो जाएगा 1, तो हमें मिलेगा 1 + n - 1 विच इज इक्वल टू n, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें इस सीरीज का nth टर्म मिल गया विच इज n। ऐसे ही अगर हमें ये सीरीज गिवन हो और हमें उसका nth टर्म निकालना हो तो हम वापस अपना यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे विच इज a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर a हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 2 + n - 1 d। अब d यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 + n - 1 विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का nth टर्म होगा n प्लस 1। ऐसे ही फ्रेंड्स, इस सीरीज का nth टर्म आपको निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला और आपका आंसर आएगा n प्लस 2। अब फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सीरीज है और ये एग्जाम्पल मैंने आपको फॉर्मूला समझाने के लिए लिया था, पर इस टाइप की सीरीज का nth टर्म आपको मूल जबानी याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सिंपल हमें दिख रहा है 1 + 2 + 3 है, तो इसका nth टर्म ऑब्वियसली n ही होगा। अब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 ना होके 2 है, मतलब n प्लस 1 है, तो इसका भी nth टर्म n प्लस 1 होगा। ऐसे ही इस सीरीज में हमें दिख रहा है कि ये सीरीज 1 से ना स्टार्ट होके 3 से स्टार्ट है, तो इसका nth टर्म n प्लस 2 होगा। तो जब भी आपको ऐसी कोई सिंपल सीरीज मिले तो आपको nth टर्म गेस करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कोई भी सीरीज जो पॉजिटिव टर्म से कनेक्टेड हो, मतलब सिर्फ पॉजिटिव टर्म से कनेक्टेड हो, उसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ऐसे ही जिस सीरीज में ऑल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की, या फिर लेमन लैंग्वेज में बोले तो इनफाइनाइट सीरीज 3 टाइप की है। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट और थर्ड ऑसिलेटरी। इनफाइनाइट सीरीज के पूरे चैप्टर में ही हमें कोई भी गिवन सीरीज का बिहेवियर ही जज करना है कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एक सीरीज पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर हम हमारा पहला टेस्ट करने जा रहे हैं जो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज पे। फ्रेंड्स, हमने 11 12th के अंदर एपी जीपी वगैरह पढ़ा था, तो ज्योमेट्रिक सीरीज और जीपी एक ही बात होती है। अब आपने 12th में पढ़ा था तो याद तो होगा ही। कहां याद होगा, चलिए मैं फिर से बता देता हूं। ज्योमेट्रिक सीरीज या जीपी उस सीरीज को कहा जाता है जिसका कॉमन रेशियो सेम आए। अब कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और ये कॉमन रेशियो हर दो एडजेसेंट टर्म्स का सेम निकलना चाहिए। तो आइए इस सीरीज का कॉमन रेशियो निकालते हैं विच इज डिटरमाइंड बाई आर। उसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म, अगर हम इन दोनों टर्म्स को लें तो सेकेंड टर्म हुई एक्स अपॉन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हुई 1, तो हमारा आर निकला एक्स। ऐसे ही
अब हम x और x स्क्वायर का कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो हमारा r होगा, सेकेंड टर्म हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहां पर हमने x और x स्क्वायर ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हुई x, तो फिर से हमारा r आया x। ऐसे ही हम अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का भी r निकालेंगे तो वो भी x आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी सीरीज का कॉमन रेशियो सेम है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हुई या फिर जीबी सीरीज हुई। अब फ्रेंड्स, अब ये जो भी r आया, अगर ये r माइनस वन से लेके वन के बीच में आता है, मतलब इफ r इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन वन, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये r वन या वन से ग्रेटर आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर ये r माइनस वन से कम है तो सीरीज ऑसिलेटरी है। तो आइए अब इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे को एक सीरीज गिवन है और हमें बताना है कि वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। तो पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज होने के लिए इसका आर मतलब कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो आइए डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम पहली दो टर्म्स ले लेंगे, और हमें पता है आर का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हुई माइनस थ्री बाई फोर, जो हमने यहाँ पे लिख दी, बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हुई वन, तो हमें आंसर मिला माइनस थ्री बाय फोर। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही अब आप बाकी भी टर्म्स का आर निकाल कर देख सकते हैं, तो सबका आर माइनस थ्री बाई फोर ही आएगा, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अरे एक बात बताना तो भूल ही गया था फ्रेंड्स, कि अगर किसी सीरीज के आर को हम मॉड आर लिख दें और वो लेस देन वन हो तो भी वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। मॉड बेसिकली कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड के अंदर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो मॉड के बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर आ गया माइनस थ्री बाई फोर। अब हम मॉड आर को मॉड माइनस थ्री बाई फोर लिख देंगे। अब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हट जाएगा, तो हमें मिलेगा थ्री बाई फोर विच इज स्मॉलर देन वन, सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर फ्रेंड्स? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, यहाँ कन्वर्जेंस की कंडीशन में इन दोनों टर्म्स का मतलब एक ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। आप चाहें तो 4 को माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.75 कुछ, विच इज स्मॉलर देन 1 बट ग्रेटर देन माइनस 1, तो भी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट ही होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉड वाला तरीका अपनाएं या फिर ये वाला। तो आइए अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको आर खुद निकालना है। हमें बताइए कि r का फॉर्मूला होता है अपर टर्म माइनस लोअर टर्म, जो आया 3/2। मैंने पहली दो टर्म्स का निकाल दिया है, बाकी टर्म्स का आपको निकालना है। तो हेंस अब हमें दिख रहा है कि r 3/2 आया है विच इज ग्रेटर देन 1, तो हमारी कंडीशन के हिसाब से ये सीरीज हुई डाइवर्जेंट। अब फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं वो निकालिए और ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से मेंशन कर दीजिए। पहला पॉइंट कहता है कि एक सीरीज un अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये तो पक्का ही है कि उस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un जीरो तो होगी ही होगी। पर सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि अगर कोई सीरीज का लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un जीरो है तो वो सीरीज un मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि किसी सीरीज की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un जीरो गिवन है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि किसी सीरीज की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू जीरो तो वो सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ये तीनों पॉइंट थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमेशा जीरो होगी, पर अगर हमें गिवन है कि किसी सीरीज की लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और हमारा थर्ड पॉइंट कहता है अगर किसी सीरीज की लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो नहीं है तो वो सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। इन पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पॉजिटिव टर्म सीरीज वो होती है जो सिर्फ पॉजिटिव साइन के थ्रू यूनाइटेड होती है, तो ऐसी सीरीज हमेशा या फिर कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट। पॉजिटिव टर्म सीरीज कभी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम इस सीरीज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं और ये हमारा सेकेंड टेस्ट है, विच इज पी सीरीज टेस्ट और पावर टेस्ट। फ्रेंड्स, पावर टेस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म की सीरीज में लगता है और इस सीरीज की कंडीशन होती है कि हमेशा वो सीरीज फ्रैक्शन में होगी। इस तरह उसके न्यूमरेटर में हमेशा वन होगा, जैसे यहाँ पे हर एक के न्यूमरेटर में वन है, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उसकी पावर हर एक टर्म के अंदर सेम होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पावर टेस्ट सिर्फ उस सीरीज में लग सकता है जो फ्रैक्शन में हो, उस सीरीज के हर टर्म का न्यूमरेटर वन हो और हर एक टर्म की डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की पावर सेम हो। अगर हमें ऐसी कोई सीरीज मिलती है तो हम पावर टेस्ट लगा सकते हैं। और पावर टेस्ट की कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि जो डिनोमिनेटर में जो पावर गिवन है अगर वो ग्रेटर देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर वो लेस देन वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। क्लियर फ्रेंड्स? ये कंडीशन ज्योमेट्रिक कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट है, तो ध्यान रखिएगा कहीं आप मिक्सअप ना कर दें। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने कई अलग अलग टर्म्स पढ़ी हैं और जैसा कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें, और मैं होप करता हूं कि आप नोट्स बना भी रहे होंगे। अब फ्रेंड्स, आपका होमवर्क है कि जो हमने अलग अलग टर्म्स इस क्लास में पढ़ी हैं आपको उनको एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है और फिर अगली वीडियो की तरफ मूव करना है। मैं होप करता हूँ ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हैप्पी लर्निंग।